नमस्ते फ्रेंड्स, होप मेरे सभी फ्रेंड्स हैप्पी होंगे और हेल्दी भी होंगे। मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ, बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ मैं ये वीडियो, और इसी वादे के साथ कि बहुत जल्दी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगा। ये जो DIY एक वीडियो है जो आज मैं अपलोड किया है, ये एक्चुअली एक ज़ीरो बजट DIY है जो मैंने अपने बैल्कनी के लिए किया है। आप आगे चल के देखेंगे कि इसमें जितने भी सामान मैंने यूज़ किया है वो मतलब मेरे घर में ही पड़े थे, कुछ बहुत यूज़लेस पड़े थे, उसी को मैंने यूज़ किया है। जैसे कि फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं कि ये जो एक वुडन प्लैंक है जिस पर मैं ये कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, ये भी मेरे घर पे बिल्कुल फालतू ही पड़ा था। इसको मैंने ले लिया है इस DIY के लिए, और इस पर मैंने बर्जर का जो वाइट कोट आता है वो मैंने सबसे पहले कर दिया है। दो कोट मैंने किया है इस पर, और अभी एक्रेलिक ब्राउन शेड का लेके मैं इस पर इसके जो बॉर्डर है साइड में उस पर मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ। ये डिज़ाइन जो है अभी यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, और यही जो डिज़ाइन है ये दोनों साइड में भी मैंने ऐसे ही डिज़ाइंस मैंने इसके दोनों साइड पे मैंने बना लिया है, और पीछे वाला जो साइड है उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो पीछे रहेगा तो वो दिखाई ज़्यादा नहीं देगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया है, उसको उस पर मैंने कुछ नहीं किया है। अभी यहाँ पे एक मैंने पॉट लिया है, ये सीमेंट का पॉट है जिस पर स्नेक प्लांट पहले से लगा हुआ है। अभी आप सोचेंगे कि पहले से लगा हुआ है पौधा पॉट पर, तो ऐसा पॉट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो आइडिया है ये मेरे दिमाग में अचानक ही आया है, और वो क्यों आया है वो मैं आगे चल के रिवील करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, ये वीडियो मैंने एक ही इवनिंग में मैंने कंप्लीट किया है, जो पूरा जो काम है ना, सिर्फ एक शाम को मैंने बैठी थी और फिर मैंने पूरा जो जितना भी मैंने ये डेकोरेशन DIY है ये सब कुछ मतलब उसी में मैंने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करते करते रात हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कंप्लीट हो गया था फाइनली। अभी ये देख रहे हैं कि मैंने इस पर भी ब्राउन कलर का ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ। आप लोग सोचेंगे कि स्नेक प्लांट जिस पॉट में लगा है उस पर मैं सांप जैसा ही कुछ बना रही हूँ, लेकिन नहीं, इस पर और भी आगे काम होगा, तो प्लीज़ देखते रहिए। अभी इस पर जो है प्राइमरी जो है वही काम मैं कर रही हूँ। और फिर से ये भी मैंने लिया है, ये एक्चुअली मिठाई का जो एक मटका होता है ना, मटके में कभी कभी मिठाई आता है, अब तो बहुत रेयर हो गया है, लेकिन ये कहीं से आया था, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है मैंने कहाँ से आया था। तो मेरे पास मैंने जैसे कहा कि मैंने ज़ीरो बजट, बिल्कुल ही मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है कहीं से, जो मेरे घर में था मैंने उसी से बनाया है ये DIY। तो ये भी मेरे घर में ही था, उस पर मैंने ये जेट प्लांट लगाया था, पहले बहुत पहले लगाया था, ऐसे नहीं कि मैंने हाल ही में कुछ लगाया है। तो जैसे कि ये लगा हुआ था प्लांट पहले से ही, तो अभी उस पर मैं कुछ डेकोरेशन कर रही हूँ। ये भी मैं फ्री हैंड मैंने कुछ बनाया है, ऐसा कुछ बहुत प्लान करके या सोच के मैंने कुछ डिज़ाइन चूज़ करके कहीं से ऐसा कुछ नहीं किया है, जो उस टाइम पे उस वक्त पे जो भी मेरे दिमाग में आया मैं बस ड्रॉ करती गई। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं बस एक ही शाम मैंने लिया है, एक इवनिंग में मैंने पूरा जो प्रोजेक्ट है मैंने उसको कंप्लीट किया है। सिर्फ जो ये जो कलर आप देख रहे हैं इसमें भी जो बेस कोट है वो बर्जर का वाइट कोट जो है वही किया था, वो बस मैं पहले करके रखी थी सुबह, वो सूख गया, और शाम को मैंने बैठ के ये बाकी का पूरा काम मैंने शाम को ही कंप्लीट कर दिया था, जो करते करते रात भी हो गया था। ये वाला जो है, ये वाला प्लांटर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको मैं ऐसे सिंपल ही रखूँगी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करूँगी। और ये वाला प्लांट में मैं वापस आ गई हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसको आगे और भी डेकोरेशन इसमें करूँगी, तो अभी इसमें मैं कुछ और डेकोरेशन का काम कर रही हूँ, इसमें आगे और डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली ये बहुत अच्छा भी लग रहा था, जिसने भी देखा है मुझे कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है ये,
तो आप भी देखिए और प्लीज़ देख के कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा आज का वीडियो आपको। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स मैटर्स अ लॉट फॉर मी। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और जो भी फ्रेंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो मैंने पूरा प्रोजेक्ट एक्रेलिक कलर से ही, मैंने जितने भी पेंटिंग्स या ड्राइंग आप कह लीजिए वो मैंने किया है। सिर्फ बेस कोट जो है वो उसमें मैंने बर्जर का जो वाइट कोट है वो इस्तेमाल किया है। बर्जर का वाइट कोट इस्तेमाल करने से ना जो कलर जो बेस कोट है वो बहुत अच्छे आया था, बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहा था उस पर जो कलर है वो। और क्योंकि इसमें प्लांट्स जो है पहले से लगे हुए थे तो कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली मुझे हो रही थी इसको इस पर कलर करने में, क्योंकि जिस पोजीशन में मैं चाह रही थी कि रख के इसको पेंट करने में मुझे एक आसानी होगी वो मैं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्लांट्स ऑलरेडी लगे थे इसमें। और जब इसमें मतलब प्लांट्स लगाने के काफ़ी दिनों बाद, जैसे कि मैंने कहा, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इस पर अभी कुछ करूँ, कुछ DIY करूँ और अपनी बैल्कनी को एक अलग लुक दूँ। तो आज एक्चुअली यही होता है ना कि अचानक कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं और आप, मतलब मेरा तो ऐसे ही होता है कि मैं फ़ौरन उसके पीछे लग जाती हूँ। अगर कुछ आइडिया दिमाग में आया तो उसको फ़ौरन उसके पीछे मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म कर सकूँ। तो इसके साथ भी वही यही हुआ, जब मतलब आइडिया आया और मैं बिल्कुल इसके पीछे लग गई कि नहीं, इसको अभी करना ही है ख़त्म। मतलब मैंने ऐसे सोच के नहीं बैठी थी कि एक ही दिन में या एक इवनिंग में ही मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, लेकिन हो गया। इवेंचुअली जो बात है वो कंप्लीट हो गई, तो अच्छा लग रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप हाथ में लेते हैं और धीरे धीरे वो एक जब अंजाम पे पहुंचता है तो डेफिनेटली फाइनल जो रिज़ल्ट है उसको देखकर अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे जो मेरा इमेजिनेशन है वो शेप ले रहा है और ये बहुत ही इजी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इजी, और मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव या बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक मैंने कुछ नहीं किया है। जो उस टाइम पे दिमाग में आया मैं बस वही करती चली गई। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने घर में, अपने घर को सुंदर रखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा समय भी आपको स्पेंड नहीं करना होता है। लेकिन इससे भी एक घर का एक कॉर्नर या आपका घर कुछ अलग दिख सकता है, कुछ अलग लग सकता है। लोग आएंगे तो वो जब अप्रिशिएट करता है ना, तब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बैल्कनी ना, जो यहाँ पे ये मैंने रखा है, वो रास्ते से भी दिख रहा है, तो लोगों ने कहा है कि अच्छा लग रहा है, रास्ते से भी दिख रहा है तो वहाँ से भी अच्छा ही लग रहा है कहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड कि आप भी ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आर्टिस्टिक या जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कुछ मतलब स्पेशल मैंने कुछ किया है अपनी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी टू डू। तो आप भी ट्राई करिए, आप भी देखिए और अपने घर को ऐसे ही सजाइए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये आइडिया और मेरा ये DIY प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में ना जो बेस है वो वाइट ही रखा है हर एक पॉट में, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइट एक ऐसा कलर होता है उस पर आप जितने भी कलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उभर के आता है और बहुत एक वाइब्रेंट ब्राइट लुक देता है। और क्योंकि मैंने कहा कि मैं इसको बैल्कनी में रखने वाली हूँ और मेरा जो बैल्कनी है उसमें लाइट्स बहुत अच्छी आती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा था नाइट के टाइम में भी और दिन के टाइम में भी। आई होप कि बहुत ही अच्छा लगेगा।
ऐसे करते करते मेरा ये वाला जो पॉट है, प्लांटर जो है, वो भी अभी लगभग ख़त्म होने को आया है, ख़त्म ही है आप कह सकते हैं। इसका जो फाइनल जो काम है उस पर वो हो चुका है। अब ये जो है, इस महाशय की वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। ये एक मनी प्लांट का एक पॉट, मतलब प्लांट है, मनी प्लांट है जो एक प्लास्टिक के पॉट में बहुत पहले से है। आप देखकर समझ सकते हैं कि इसकी जो क्रीपर्स है वो, मतलब जो बेल है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। और ये ऐसे ही मेरे बैल्कनी में एक कॉर्नर पर रखा था, तो तब मुझे लगा कि इसको एक अलग से इसको रखना चाहिए, ताकि इसकी ये जो, जब नीचे ये लटकते हैं ना, ये जो बेल से, ये जो बेल जो है, ये जब नीचे लटकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको देखकर ही मुझे ये आइडिया आया कि मैं इसके लिए कुछ अलग, कुछ एक पोजीशन बनाऊं अपनी बैल्कनी में और वहाँ पे इसको रखूं। तो इस महाशय की वजह से ही मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में फ़ौरन ये आइडिया आया, इसको देख के मैं बैल्कनी में काम कर रही थी, कुछ अपने प्लांट्स की कुछ केयर कर रही थी, डेली केयर। तो उसी टाइम में मुझे अचानक ये ख्याल आया और बस मैं लग गई इस प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे जो है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मनी प्लांट जो है, ये अभी काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वजह से जो है मुझे कलरिंग करने में कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कतें आई। और जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत हुई थी, उसको मैंने वाइट कलर से फिर से एक बार उस पर लगा दिया है, और वापस से मैं एक बार और टचअप कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर से। और मैंने यहाँ पर भी कलर जो है, मतलब डेकोरेशन जो है, वो बहुत ही सिंपल रखा है, और बहुत ज़्यादा कलर मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सामने से जो है ये प्लांट्स जो है ये लटकेगा तो आप पीछे का जो डिज़ाइन है पॉट का वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाना था, बस जो है वही मुझे रखना था। और ये है फाइनल लुक। फाइनली मैंने इन सब कुछ असेंबल करके हैंग कर दिया है अपनी बैल्कनी में। और ये जो, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत, मतलब तुरंत मैंने फैसला ले लिया था इस DIY का, तो ये जो वुडन प्लैंक है इस पर मैंने होल मैं नहीं करवा पाई। तो ये जो रोप आप देख रहे हैं ये भी मेरे घर में था, तो इस पर मैंने इस वुडन प्लैंक को ऐसे डालकर, आप देख सकते हैं, ऐसे फंसा दिया है। तो ये अच्छे से हैंग हो रहा है, ये वेट ले पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आपके पास कारपेंटर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर अंधेरा हो चुका है, रात काफ़ी हो गई थी कंप्लीट करते करते फ्रेंड्स। मैं इसीलिए आपको नाइट व्यू ही दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग व्यू अभी मैं नहीं है, और मैं शायद इसका मॉर्निंग व्यू अभी तुरंत मैं ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं निकल रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ट्रिप पे जा रही हूँ मैं, वो वीडियो भी आगे मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़, ताकि मैं जो भी वीडियो शेयर करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको फ़ौरन मिल सके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, और ऑल जो ऑप्शन आता है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटू सा एलिफेंट भी रख दिया है, तो वो और भी अच्छा लग रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं मेरा नीचे जो है, अभी थोड़ा जब मैं नीचे कैमरा ले जाऊँगी तो आप देखिएगा, नीचे एक मेरा एक टेडी बियर मैं रखी हूँ। ये भी मेरे पास बहुत पहले से है, जब मेरा बेटा छोटा था तो उसको मतलब गिफ्ट मिला था, तभी उसका हालत बहुत अच्छा है। ये है वो टेडी बियर, उसका हालत बहुत अच्छा है, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो अभी भी है मेरे पास। और ये वो ऐसे ही बैल्कनी में मेरे जो प्लांट्स है उसका देखभाल करता है। तो यहीं पे आज का जो वीडियो है मैं ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ बी विद मी। ओके, टाटा एंड बाय बाय।